वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों। एज यू नो अंडर द अगाज विद द एनसीईआरटी सीरीज वी आर कवरिंग अप द ऑल द एनसीईआरटीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी दैट इज वाटर। दिस इज द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द सेवंथ क्लास एनसीईआरटी। सो स्टार्टिंग विद दिस, इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ इस चैप्टर का। सो वाटर के हमने बहुत से एस्पेक्ट्स जो हैं वो प्रीवियस चैप्टर्स में भी किए हैं, और नॉट ओनली इन द प्रीवियस चैप्टर्स बट अगर आपको याद हो चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 में हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा था, उसमें भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी पार्ट को ही आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर उसी को ही आगे लेके जाएगा, एंड आई होप यू विल एंजॉय डूइंग दिस विद मी। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द वाटर साइकिल। सो बेसिकली वट इज वाटर साइकिल, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आई नो के आपको बेसिक आस्पेक्ट पता होंगे वाटर साइकिल के, तो जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज के अल्टीमेट कोई भी एनर्जी का सोर्स कौन होगा, सो दैट इज सन। एज आई टोल्ड यू के जो अर्थ के ऊपर जो एनर्जी आ रही है सन से, उसी की वजह से ही सारे प्रोसेसिस जो है पॉसिबल है। सो द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस वाटर साइकिल ऑल्सो। हमने लास्ट चैप्टर्स में, अगर आपको पता हो, वीडियोज में हमने देखा था कि एनर्जी हीट ट्रांसफर की बात करी थी कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है और किस तरीके से मास भी आगे हमने देखा था कि आगे ट्रांसफर होता है। सो द सेम केस हैपन्स हेयर ऑल्सो। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, और अब जो आज हम देखने वाले दैट इज द वाटर साइकिल। तो सारे के सारे जो साइकिल्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, और उसका अल्टीमेट सोर्स कौन रहेगा? सन रहेगा। फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है। तो इसका भी अगर हम बात करें वाटर साइकिल का भी, तो दैट इज सन। सो लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो हमने रेनफॉल के बारे में डिस्कस किया था। सो उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ द रेनफॉल जो हमने की थी दैट वाज द कन्वेक्शन के कारण जो कन्वेंशनल रेनफॉल थी उसको डिस्कस किया था। उसका अल्टीमेट रीजन क्या था? जो इक्वेटर लाइन पे हमने देखा था कि सन जो हीट कर रहा है वाटर को, उसी के कारण जो था रेनफॉल पॉसिबल हो रहा था, अगर हमने कन्वेंशनल रेनफॉल की बात करें। बट टॉकिंग अबाउट द वाटर साइकिल, इसी में भी वो ही चीज हैपन हो रही है जो हमने कन्वेंशनल रेनफॉल में देखी थी। सो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज के जो वार्म एयर होती है ना, जो हीटेड एयर होती है, उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब मॉइस्चर को कैरी करने की अपने साथ, मतलब वाटर को कैरी करने की अपने साथ जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू जो हम बात करें कोल्ड एयर। कोल्ड एयर क्या थी? वार्म एयर राइज करती थी ऊपर और कोल्ड एयर सिंक डाउन करती थी। हमने ये कंसेप्ट देखा था। द थिंग इज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वार्म एयर होगी वो वेट ही होगी, जो मॉइस्चर होगा ही होगा, उस ड्राई भी हो सकती है। बट मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो वेट जो हमारी वार्म एयर होगी उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर उसको मॉइस्चर मिलेगा तो वो अपने साथ कैरी करके उसको साथ में ले जाएगी। सो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे वो वेजिटेशन से हुआ, वेजिटेशन की ट्रांसपिरेशन हुई, वाटर बॉडीज की वेपोरेशन हुई, उसके साथ सन की हीट इन पे पड़ी जो बॉडीज हैं, इससे जो है जो हीट अप हुई, जो ये वाटर बॉडीज हैं हीट अप हुई, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट होगा वो हीट अप होगा, और जो एयर होगी जो ऊपर वार्म एयर होगी उस वो जो है कैरी करके अपने साथ ऊपर हाई अबव ले जाएगी। ठीक है, सो हाई अबव ले जाएगी, और हमने ये भी देखा था इवेपोरेशन होगी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाई जाएगी, राइज करी जाएगी, तो उसकी जो है प्रेसिपिटेशन होने की जो टेंडेंसी वो इंक्रीज होती जाएगी। द थिंग इज कि जब भी वो ऊपर राइज कर गई, जब भी इसकी इवेपोरेशन हो गई, जो मॉइस्चर है मॉइस्चर कैरी करके एयर उसकी ऊपर एलिवेट होगी उसकी हाइट, तो होता क्या है बेसिकली वहां पे एक और तरीके की, मैंने आपको बताया था कि जो कि लेटेंट हीट जो रिलीज होती है उससे जो है और हीट अप हो जाता है पूरे का पूरा जो मॉइस्चर कंटेंट है, और उससे जो है जो ऊपर और राइज हो जाते हैं, जो क्लाउड्स हैं ऊपर और राइज हो जाते हैं। जैसे ही और ऊपर अल्टीट्यूड, हाई अबव द अल्टीट्यूड राइज होंगे क्लाउड्स, वो क्या टेम्परेचर लो होगा विद अल्टीट्यूड, जैसे ही टेम्परेचर लो होगा वो जो क्लाउड्स थे ऊपर जो कंडेंस कर जाएंगे और नीचे क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट
प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन मीन्स के चाहे रेनफॉल हो सकती है, चाहे स्नोफॉल हो सकती है, चाहे स्लीट हो सकती है। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बट आपको याद क्या रखना है कि सिंपल के जो है प्रेसिपिटेशन का मतलब यही है कि जो वाटर नीचे से ऊपर गया था वो नीचे फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे देखते हो पहले प्रोसेस में क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ ड्यू टू दिस सन। इवेपोरेशन होके ऊपर क्लाउड्स फॉर्म हुए, क्लाउड्स फॉर्म होके वहां पे कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन हुई नीचे, अगर कंडेंस होंगे मतलब कंडेंसेशन होती है, अगर आपको पता हो कि वाटर बोतल जो होती है, ठंडे वाटर पानी की बोतल होती है, उसके आसपास जो पानी के ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं आप देख सकते हो, क्या वो पानी की बोतल के अंदर से आए वो ड्रॉपलेट्स, नहीं, जो एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वहां पे आके कंडेंस हो गया, उसने जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज हुई उस जो मॉइस्चर कंटेंट था उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेज, और उससे क्या हो गया वैसे कंडेंसेशन होगी जैसे बोतल वाटर बोतल पे ठंडी पानी की बोतल पे होती है, एंड देन दैट कंडेंसेशन लीड टू द प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हम बोल सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे इवेपोरेशन होके पानी ऊपर गया उसी जगह पे ही रेनफॉल होगी। अब ये क्लाउड्स जो हैं जो ऊपर बने हैं ये आगे मूव भी कर सकते हैं, जैसे ही उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वहां पे उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है, जब हम हायर क्लासेस में मॉनसून को डिटेल में देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ऊपर को वेपोरेशन करके जो हमारी जो क्लाउड फॉर्म हुए थे वो कैसे हवा के साथ आगे को चले जाते हैं और मॉनसून कोस करते हैं। सो द थिंग इज कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई, फिर पानी जो नीचे गिरा फिर वो जो मेन वाटर बॉडीज है उसमें आया, फिर ये प्रोसेस साइकिल सारा चलता रहेगा। मान लो कि ये है ओशन, है ओशन से पानी ऊपर वेपोरेट हुआ था, वाटर बॉडीज में रेनफॉल का पानी गया और फिर से नीचे से आके, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज दी वाटर साइकिल। ये पानी, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो भी दुनिया के ऊपर जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से रेनफॉल, जो रेनफॉल वाला जो पानी है वो बाहर के कहीं और से आ रहा है, नहीं, वो ही पानी है जो साइकिल करे जा रहा है। मतलब जब अर्थ के ऊपर पानी आया था वो ही पानी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नया पानी नहीं आ रहा। ठीक है, रेनफॉल के थ्रू कोई नया पानी एडअप नहीं हो रहा हमारे अर्थ के ऊपर, बट जो एग्जिस्टिंग वाटर है वो ही साइकिल होके दोबारा वापस आ जाता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। सो दिस इज द वाटर साइकिल। ठीक है, सो इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल ये भी दी हुई है कि जो अमेजन रिवर से जो मान लो कि पानी इवेपोरेट करके ऊपर को आया है वो ऐसा भी हो सकता है कि कई साल पहले जो वहां पे वेपोरेट वो पानी हमारे इंडिया के ऊपर रेनफॉल की और रेनफॉल के तरीके से नीचे फॉल कर जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वाटर साइकिल जो हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया इस चैप्टर का। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज दी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये जो है फैक्ट फॉर द प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको याद करना ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये एनसीईआरटी में क्या डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है जो जितना भी पानी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी अर्थ के ऊपर, सो 97.3% जो पानी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ओशंस। ठीक है, मतलब सलाइन वाटर है 97.3%। ठीक है, आई होप यू ऑल नो अबाउट द ओशंस। सो सेकेंड थिंग, जो 2% पानी जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द आइस कैप्स, सबसे पहले ओशंस देन आइस कैप्स, फिर उसके बाद में ग्राउंड वाटर 0.68 जो है हमारा परसेंट, फिर फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, देखो कितना कम पानी जो है फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर पाया जाता है। देन कम्स ये, दिस इज नॉट फ्रेश वाटर, दिस इज साल्ट लेक्स, इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स, ये भी क्या है 0.009% जो है पाया जाता है। देन एटमोस्फेयर में 0.0019, रिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 0.001%, 0.001%। आप खुद सोचो कि एटमोस्फेयर से भी कम रिवर्स में पाया जाता है, कि एटमोस्फेयर इतना मॉइस्चर कैरी कर रही है। ठीक है, सो ये जो है फैक्ट्स जानना बहुत ही जरूरी है, इसको इसी फॉर्म में आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइस कैप्स, ओशन तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा होगा, देन कम्स आइस कैप्स, देन ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, लेक्स की बात कर ली, देन सी, इनलैंड सी इज अ काइंड ऑफ यू कैन से ब्रॉडर, अगर हम एक साल्ट लेक को बड़ा फॉर्म बना दे वो इनलैंड लेक सी बन जाएगी। तो सी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेक एंड सी, लेक इज द वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है,
बट उसका क्या होता है, उसका साइज छोटा होता है, एरिया वाइज वो छोटी होती है। बट सी क्या होता है, मतलब बहुत ही बड़े, अगर कॉन्टिनेंटल लेवल पे अगर हम बात करें कि कोई वाटर बॉडी चारों तरफ से जो बंद हो, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इनलैंड सी। ठीक है, नो डाउट ओपनिंग जरूर पाई जाती हैं, जैसे मेडिटेरियन सी है उसके अंदर ऑब्वियसली ओपनिंग्स तो है ना, कि जिसके अंदर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वगैरह, डार्डेनल्स, वो सारा जो है उसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं, ओपनिंग जरूर पाई होती है। लाइक सी इज कनेक्टेड टू मोर, और यू कैन से कि जो सी होते हैं जनरली कनेक्टेड टू द ओशंस होते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे सी कनेक्टेड टू ओशंस होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द सी एंड द लेक डिफरेंस, देन एटमोसफियर एंड रिवर्स। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, दैट इज आइस ग्रोलर, आइस ग्रोलर, ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आइस से आइस कैप्स, जी से ग्राउंड वाटर, ठीक है, GRO से ग्राउंड वाटर, देन लेक्स, देन एटमोसफियर, देन रिवर। ठीक है, सो इसको आप याद रखेंगे, आइस ग्रोलर से अगर कोई आपको कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले के जो वॉल्यूम है कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है कुछ हमारे जो है फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड है जो हमने याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सैलिनिटी की। नाउ व्हाट इज दिस सैलिनिटी, अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दी ग्राम्स प्रेजेंट इन दी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर कितना सॉल्ट पाया जाता है, कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पाया जाएगा, दैट इज दी सैलिनिटी। मतलब अगर आप एक पानी की बोतल लेंगे 1 लीटर की, उसके अंदर कितना सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट है। अब सॉल्ट बहुत तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल नमक, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट पाया जाएगा उस 1 लीटर पानी के अंदर, उसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है, वो सैलिनिटी की डेफिनेशन है। सो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 ग्राम जो है 1 लीटर के अंदर जो एवरेज कंटेंट है, जो साल्ट का कंटेंट है पाया जाता है, जो हमारा ओशंस है उसकी बात करें तो। ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये डेड सी की बात करें, इसकी सैलिनिटी कितनी है, 340 ग्राम्स, मतलब जस्ट इमेजिन के 1 लीटर पानी के अंदर 340 ग्राम्स ऑफ जो सॉल्ट है वो पाई जाती है, इसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 35 ऑन एन एवरेज ओशन में। तो जस्ट इमेजिन रिलेटिवली कितना ज्यादा सलाइन है डेड सी, जो कि इसराइल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसराइल में डेड सी कहाँ पे है सबसे पहली बात, देन सेकंड थिंग के इसकी जो सैलिनिटी है बहुत हाई है, याद नहीं रखने की जरूरत, पर ये याद रख लेना आप 35 जो है ग्राम्स पाए जाते हैं 1 लीटर पानी के अंदर, जो एवरेज है ओशंस में। देन इतना ज्यादा सलाइन होने के कारण, इतनी ज्यादा सैलिनिटी होने के कारण इसके ऊपर जो है स्विमर जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जो हम बात करेंगे के जो हमारी सैलिनिटी के कारण डेंसिटी वेरी कर गई, उसके कारण जो है जो स्विमर्स हैं उसके ऊपर फ्लोट कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, खुद देखो, बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा एबिलिटी पानी की ज्यादा इंक्रीज हो जाती है वेट को कैरी करने की। ठीक है, तो उसके कारण जो है हम वहां पे सिंपल डूबता नहीं है कोई भी डेड सी के अंदर, सिंपल उसके ऊपर स्विमर्स फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इतना नमक पानी प्रेजेंट है, जस्ट इमेजिन के इतने नमकीन जो पानी के अंदर क्या लाइफ पॉसिबल होगी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इतने नमकीन पानी के अंदर। सो दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओशन सर्कुलेशन। अब इसी इस पार्ट को ओशन सर्कुलेशन अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 5 में क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी किया था, उसके अंदर टॉपिक किया था चीफ मूवमेंट्स इन द ओशन। ठीक है, अब चीफ मूवमेंट इन द ओशन में हमने वेव्स देखा, हमने करंट्स देखते हैं। ठीक है, सो वो सब इसके अंदर हम कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द वेव्स, तो वेव्स बेसिकली है क्या, वेव्स और टाइड के बीच में क्या फर्क है। अब जैसे मैंने बताया कि चीफ मूवमेंट्स इन ओशन, मतलब कि पानी मूव करता है किस किन किन तरीकों से मूव करता है, कौन सी मूवमेंट्स की टाइप है, सबसे पहले वेव्स, देन टाइड्स, देन कम्स ओशन करंट्स। ठीक है, तो दीज आर द 3 चीफ मूवमेंट्स जिसको हम ओशन सर्कुलेशन भी बोल देते हैं। अब जो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की बात करते हैं। सो वेव्स किस तरीके से बनती हैं, हम देखते हैं ना कि बीचेस पे जो पानी की छोटी छोटी लहरें जो हैं आती रहती हैं बीच में, फिर पानी पीछे को चला जाता है, फिर थोड़ा पानी आगे को आता है। सो दैट आर ड्यू टू द
दी वेव्स. अब वेव्स जनरेट कैसे होती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द जनरेशन ऑफ द वेव्स. नो डाउट इसके अंदर मेजर फैक्टर्स जो हैं वेव्स के डिस्कस किए हुए हैं, तो वो ही हम देखेंगे. सो फर्स्ट रीजन जो बताया गया दैट इज ड्यू टू द विंड. अब विंड क्या किस तरीके से वेव्स क्रिएट करता है, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. अगर आप किसी आसपास की लेक्स के आसपास गए हो या किसी वाटर बॉडी के आसपास गए हो, जब विंडी होता है तब जो पानी के ऊपर जो है पानी जो है उसकी अगर हम देखें उसके अंदर वेव्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि अगर आप एक बाउल में पानी ले लें, देन उसके अंदर अपनी एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी. सो वो क्या है, वेव्स हैं बेसिकली. अगर अब ये तो मैंने एग्जांपल दी कि आपने ब्लो करी, अगर नेचुरली कोई विंड है जो भगवान जो हमारी नेचर है उसके कारण जो विंड क्रिएट हो रही है, हमें पता है कि विंड क्या है, विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर. अगर मूवमेंट ऑफ एयर हो रही ही है पानी के ऊपर, सो दैट विल फॉर्म द वेव्स. तो उस जब जैसे ही वो पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर विंड गुजरेगी और वो अपनी एनर्जी क्या है वो पानी को ट्रांसफर कर देगी और पानी में क्या बन जाएंगी, वेव्स बन जाएंगी. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन. सो ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ए ह्यूज वेव्स. कहते कभी कभी ऐसा होता है स्टॉर्म्स के टाइम पे बहुत ह्यूज वेव्स बन जाती हैं. दीज मे कॉज द ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन. सो द थिंग इज कि जो वेव्स हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन कॉजिंग टेंडेंसी काफी हाई होती है. ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि टाइड्स वगैरह ही है जो जो हम कह सकते हैं कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो वेव्स भी कर सकती हैं. सो ये तो फर्स्ट रीजन हमने देखा वेव्स जनरेट करने का. तो सेकंड इज कैटास्ट्रोफिक फैक्टर्स जो कि इसके अंदर मेंशनड हैं. सो कौन कौन से कैटास्ट्रोफिक फैक्टर्स मेंशनड है, दैट इज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, एंड लैंडस्लाइड्स. सो ये तीन मेजर जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर मेंशनड है. नो डाउट इसके अलावा और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे मीटोराइट स्ट्राइक कर जाता है अगर पानी की बॉडी के अंदर, उससे भी वेव्स क्रिएट हो सकती हैं, बट ये तीन मेंशनड है इसके अंदर. सो अब द थिंग इज, अब ये है क्या बेसिकली वेव्स, इसके तरीके से कैसे बनती हैं. जस्ट इमेजिन के ओशन के नीचे जो सी फ्लोर है, अगर वहां पे अर्थक्वेक आ जाए, अगर उस सी फ्लोर के ऊपर जो सी फ्लोर के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए या लैंडस्लाइड हो जाए पानी की वाटर बॉडी के नीचे, तो क्या होगा, तो वेव्स क्रिएट होगी. मतलब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे मान लो कि लैंड हमारा अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आया जो है, जो जैसे दो प्लेट्स हैं जो उसके बीच दोनों के बीच में डिस्टरबेंस हुई, जैसे ही अर्थक्वेक जहां से भी ओरिजिन होगा वहां से जो एनर्जी काफी रिलीज होती है, यू नो अर्थक्वेक जहां पे भी ओरिजिन होता है, जहां पे अर्थक्वेक का फोकस होता है वहां से काफी एनर्जी जो रिलीज होती है, जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी पानी जो है एकदम से ऊपर को उछलेगा, देन जो पानी उछलेगा तो वेव्स क्रिएट हो जाएंगी बहुत ही बड़ी, मतलब इतनी ट्रिमेंडस वेव्स क्रिएट हो जाएंगी कि उससे क्या उसे क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सुनामी. ठीक है, 2004 में भी आप में से जो जिन्होंने याद होगा जो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे कि 2004 में बहुत ही हाई लेवल पे जो सुनामी आई थी उससे काफी मासिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई थी हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन पे. ठीक है, और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स जो है इंदिरा पॉइंट वगैरह वो सबमर्ज भी हो गए थे, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था. सो मोर ओवर लाइफ्स भी काफी गई थी इस 2004 की सुनामी में. सो तीन रीजंस करके जो है वहां पे वेव्स क्रिएट हुई थी, हम देखने की कोशिश करते हैं विद दी डायग्राम्स. सो उससे पहले सुनामी क्या है बेसिकली, दी वेव्स कॉज्ड ड्यू टू दिस फैक्टर्स जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अंडरवाटर. तो यहाँ पे देख सकते हैं सुनामी इज ए जैपनीज वर्ड दैट मींस हार्बर वेव्स. अगर हार्बर पे वेव्स बहुत ज्यादा आ जाएं, एज द हार्बर्स गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी. जो हार्बर एरिया, जो कोस्ट लाइन वाला एरिया होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो 15 मीटर तक भी हाई हो सकती है वेव्स. जस्ट इमेजिन 15 मीटर कितना ज्यादा होता है. ठीक है, सो लेट्स चेक आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस. सो सबसे पहले हम अर्थक्वेक की बात कर लेते हैं. जैसे देखो ये एक हमारी प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है. ठीक है,
मान लो कि ये पहले बराबर थी प्लेट्स, पर एक प्लेट क्या होगी, नीचे को सबस्ट्रेट होगी, तो जब भी वो नीचे को दब गई जो प्लेट, ठीक है, जो पानी होगा, जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, एकदम से नीचे को आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही पानी, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो नीचे को आ गया, उससे क्या होगा, जो इस साइड कोस्ट लाइन की बात करें, यहां से पानी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ पानी नीचे को चला गया, ठीक है। फिर एकदम से क्या है, यहां से जो पानी है बाउंस बैक करेगा, और पहले तो इसीलिए बोलते हैं सुनामी से पहले तो जो है कोस्ट लाइन पे पानी कम होना शुरू हो जाता है, पर एकदम से जब ये बाउंस बैक करता है तो बहुत ही तेजी की स्पीड से जो है पानी वेव्स की फॉर्म में आता है और सारे के सारे कोस्ट लाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज ड्यू टू द अर्थक्वेक। अगर हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे, जैसे अर्थक्वेक राइज हुआ तो इससे ओरिजिन हुआ, यहाँ से क्या है पानी अपवर्ड जो है वेव क्रिएट हुई, उससे क्या है फिर अप टू द कोस्ट लाइन जो है ये सुनामी कोस कर दिया इसने। अब सेकेंड रीजन आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इरोजन हुई है, लैंडस्लाइड हुई है, जैसे ही यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई वैसे ही क्या है पानी की अपवर्ड वेव बनी, देन उससे भी क्या हो जाएगी सुनामी आ सकती है। एंड देन थर्ड रीजन इज ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, जो वाटर बॉडीज के नीचे, ओशंस के नीचे भी जो फ्लोर, सी फ्लोर है, वहां पे वोल्केनोस जो है इरप्ट हो सकते हैं। जैसे ही इरप्शन हुई वेव क्रिएट हुई और फिर से सुनामी आ सकती है। सो दीज आर द रीजंस, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस जो हमने देखे जिससे वेव्स क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा मान लो कि कोई मीटियोराइट जो है सी फ्लोर के ऊपर गिर गया, इंपैक्ट कर दिया, उससे भी वेव्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द दिसंबर, 26 दिसंबर 2004 की जो सुनामी की बात कर रहे हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वॉज 9.0। सो तब सुनामी कैसे आई थी, ड्यू टू द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के कारण जो सुनामी आई थी उसके अंदर बेसिकली क्या था, एक इंडियन प्लेट थी, एक बर्मा प्लेट थी। आई नो, आई होप आपको पता है कि प्लेट्स क्या है, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स डिस्कस किया है 6th क्लास के एनसीईआरटी में। तो जैसे मान लो ये दिस साइड इज इंडियन प्लेट एंड दिस साइड इज बर्मा प्लेट, पहले क्या थी दोनों एक ही लेवल पे थी, बट इंडियन जो प्लेट है वो नीचे को सबमर्ज कर गई और उसके कारण क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि पानी नीचे को मूव हो गया, एंड जो पानी मूव हो गया उसके कारण फिर यहाँ से पानी जो है रिसाइड हो गया था पहले कोस्ट लाइन से, फिर बाउंस बैक किया पानी ने, देन अपवर्ड वेव क्रिएट हुई और उससे क्या है सुनामी आ गई, ठीक है। सो यू कैन रीड इट आउट, ठीक है। देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, दस ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट दी 10 to 20 meter एंड टिल्टेड इन डाउनवर्डली डायरेक्शन। जस्ट इमेजिन 10 to 20 meter जो है ये ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस हो गया था, तो उससे क्या हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो द ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो टू फिल द गैप, जो गैप बन गया था उसके अंदर पानी भरा, ठीक है, जो ये आप गैप देख रहे हो इसके अंदर पानी भरा, ठीक है। दिस मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन से फिर ये जो पानी के इधर को चला गया और वो इस, क्योंकि यहाँ पे गैप भर गया था ना तो यहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मासिस फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासिस इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। ये फिनोमिना कहाँ पे देखा गया, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया मतलब इंडिया वाला, श्रीलंका वाला, मालदीव्स वाला रीजन, और साउथ ईस्ट एशिया एज यू नो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाला सारा एरिया वहां पे। आफ्टर द थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मास रश्ड बैक टुवार्ड द कोस्ट लाइन, जो पानी यहाँ पे नीचे पहले गैप में गया था फिर वो रश बैक किया, जिसके कारण जो है हमारी वेव्स क्रिएट हुई और सुनामी क्रिएट हो गई। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये देखो कि कितनी तेजी की स्पीड से ट्रेवल की वेव्स, 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल करा वेव्स ने। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट चीफ मूवमेंट हमने जो ओशन में देखा, डिस्कस किया। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड मूवमेंट, दैट इज द टाइड्स। अब टाइड्स क्या है, इसको हमने बहुत ही ब्यूटीफुली इलेबोरेटेड फॉर्म में चैप्टर 5 में क्लास 6 के एनसीईआरटी के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। बट इसमें, इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा जो इस एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टाइड्स हेल्प इन द नेविगेशन। अब द थिंग इज कि एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं पहले, जो टाइड्स की फर्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि जो टाइड्स हैं वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं। सो टाइड्स नेविगेशन में कैसे हेल्प करती हैं, सो बेसिकली
जैसे टाइड्स आती हैं तो पानी कहाँ पे रश कर जाता है, हार्बर्स पे रश कर जाता है। अब हार्बर्स पे जब पानी रश कर जाएगा तो इजीली मतलब कि जो हमारी जो शिप्स हैं कार्गो कैरिंग शिप्स हैं वो इजीली क्या है डॉक कर सकते हैं, इजीली बिल्कुल एंड ऑफ द कोस्ट लाइन तक आ सकती हैं और जो है सिंपली जो फिर कार्गो को हम अनलोड कर सकते हैं। सो दिस हेल्प्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली। सो दिस इज द फर्स्ट वे जो नेविगेशन में मदद करती है। सो सेकेंड इज हाउ टाइड्स हेल्प इन द फिशिंग। सो बेसिकली टाइड्स के साथ जैसे ही टाइड्स आती हैं उसके साथ साथ काफी फिशेज जो हैं वो क्लोज आ जाती हैं शोर के पास, मतलब कि किनारे के पास काफी फिशेज आ जाती हैं ड्यू टू टाइड्स। तो उससे क्या है फिर जो फिशरमैन है वो इजीली जो है ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फिशेज कलेक्ट कर सकता है, तो वो भी टाइड्स की वेट करते हैं। सो नेक्स्ट इज हाई टाइड्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है दिस टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इस साल का यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम देखा हो उसमें सोलर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में क्वेश्चन, वो क्या है रिन्यूएबल, तो टाइडल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको अभी से ही वो याद रखने शुरू कर देने हैं कि कौन सा हमारे जो मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के, रिन्यूएबल सोर्सेज के न्यूक्लियर के कारण कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही अगर आप उसको याद करना शुरू करेंगे, चाहे ट्रिक्स बनाओ चाहे रट्टे लगाओ, उस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको याद करना। और सो आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि जो टाइडल इलेक्ट्रिसिटी है उस वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है इंडिया में है तो कौन सा मेजर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी देख रहा है फाइंड आउट एंड आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ओशन करंट्स। तो अब बेसिकली ओशन करंट्स है तो है क्या, हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था परमानेंट विंड्स, आई होप यू रिमेम्बर द परमानेंट विंड्स। उसके अंदर हमने देखा था कि विंड्स कैसे क्रिएट हो रही हैं, क्या क्या रीजंस थे। तो मेन जो हमने डिस्कस किया था रीजन, सो दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा पाया जाता है एज यू नो, उसके कारण वहां पे लो टेम्परेचर जो है क्रिएट हुआ और उसी के कारण जो है फिर हमने देखा था कि अलग अलग वे जो हम विंड जो है क्रिएट हुई, कहीं पे हाई प्रेशर बना कहीं पे लो बना, जिसके कारण जो है परमानेंट विंड्स अलग अलग पाई जाती हैं। सो वो हमने देखा। अब इसके अंदर हम देखें कि ओशन करंट्स के क्या मायने हैं, क्या कैसे ये काम करता है। सो बेसिकली इसमें भी टेम्परेचर जो है डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है। सो टेम्परेचर डिफरेंस का कैसे बहुत बड़ा रोल है, सो यू विल नो नाउ इन दिस लेक्चर। सो द सबसे पहले हम देख लेते हैं ओशन करंट के बारे में। द ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है एरिया के। हम देखेंगे अगर वार्म करंट होगा, दो तरीके के बेसिकली ओशन करंट होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। अगर वार्म करंट होगा वो भी वेदर कंडीशंस को इम्पैक्ट करता है, अगर कोल्ड होगा वो भी वेदर कंडीशंस को इम्पैक्ट करता है। लेट्स सी कि किस तरीके से, हम उसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि वार्म एंड कोल्ड करंट में क्या फर्क है और कैसे वो हमारी क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन पे इम्पैक्ट करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली वार्म करंट्स का ओरिजिन कहाँ पे है, ऑब्वियसली जहां पे सबसे ज्यादा हीट होगी। हीट कहाँ पे होती है, इक्वेटर से। तो वार्म करंट्स कहाँ से चलेगा, इक्वेटर टू पोल्स की तरफ चलेगा। इक्वेटर से शुरू होगा, इक्वेटर में पानी होना गर्म शुरू होगा और पोल्स ठंडे पानी की तरफ जाना शुरू शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठंडे एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है कि अगर कहीं टेम्परेचर डिफरेंस है दो जगह पे, दो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर है, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करता है, मतलब एक सामान्य टेम्परेचर अटेन करने की कोशिश करता है। इसी इसी कारण जो है जहां पे वार्म होगा वो कोल्ड की तरफ मूव करना चाहेगा, सो दैट बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए। नो डाउट ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो नहीं पड़ता, बट जो हमारे प्रोसेसिस हैं वो
उसकी ओर मूव करते हैं इक्विलिब्रियम की ओर. सो सबसे पहले वाम करंट का ओरिजिन कहां से, इक्वेटर से, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं. सो वाम जैसे अब इसकी हम इसके वेदर कैसे इंपैक्ट करता है उसके बिहाइंड हम लॉजिक्स देखते हैं. सो जो वाम वाटर होगा, पहले सन ने इक्वेटर को हीट किया, उसके जहां भी पानी होगा वहां पर हीट किया, उससे क्या होगा, वाम हो गया वाटर. वाम हो गया तो उसके ऊपर वाली एयर भी जो हो जाएगी वो वाम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर वाम है तो उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी वो भी तो वाम हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर सरफेस वाम होता है तो चाहे लैंड का सरफेस वाम क्यों ना हो वो ऊपर वाली एयर को भी वाम कर देता है ड्यू टू द शॉर्ट वेव्स. सो वाम होगी एयर जो उसके ऊपर प्रेजेंट थी, वो क्या कर देगी, वाम एयर क्या करेगी, अफेक्ट करेगी वेदर एंड क्लाइमेट को. कैसे करेगी, सो वाम एयर जो है आपको पता है राइज करती है, एयर क्या करती है, राइज करती है. वाम एयर का टेंडेंसी है कि जो हल्की हो जाती है वाम एयर और ऊपर को राइज करती है, मोर मॉइस्चर कैरी करती है. देन जो वाम एयर की टेंडेंसी होती है मॉइस्चर कैरी करने की, अब मॉइस्चर आया कहां से, इस वाम वाटर से ही तो मॉइस्चर आया ना. सो मॉइस्चर आया तो रेनफॉल हो गई, किया इंपैक्ट वेदर और क्लाइमेट को. अब सेकेंड केस क्या है, अब जैसे ही जो वाम एयर होगी वो क्या है, आसपास का टेम्परेचर भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी. तो इन दोनों रीजंस करके क्या है, एक तो रेनफॉल्स और एक टेम्परेचर, दोनों को इम्पैक्ट किया किसने, हमारे जो वार्म करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं, उन्होंने, वार्म मोशन करंट्स ने इम्पैक्ट किया. नाउ वील मूव टू दी कोल्ड करंट. नाउ व्हाट इज कोल्ड करंट्स, सो कोल्ड करंट्स का ओरिजिन कहां पे है, जहां पे लो टेम्परेचर होगा. लो टेम्परेचर कहां पे पाया जाता है, पोल्स पे पाया जाता है, मतलब पोल्स पे जो वाटर होगा, ओशन वाटर होगा, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. अब क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है, वो कहां पे जाने की कोशिश करेगा, जहां पे टेम्परेचर क्या है, हाई. सो पोल से इक्वेटर की तरफ जो है पानी जो है मूव करेगा, ठीक है. अब ये भी क्या करेगा, वेदर और क्लाइमेट को, आसपास के रीजंस को इम्पैक्ट करेगा. सबसे पहले तो हमें कोल्ड जो है, अगर कोल्ड एयर के जो करैक्टर्स की बात करनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था, कोल्ड एयर का करैक्टर कैसा है, कोल्ड एयर होती है हैवी, ठीक है, भारी होती है. जैसे होट तो राइज कर जाती है ना, जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है, वो नीचे को सेटल करती है हमेशा. जो अगर मैं ऊपर मान लो कोल्ड एयर को छोड़ूंगा तो वो अपने ऑटोमेटिकली नीचे को आ जाएगी, अगर नीचे से होट एयर छोड़ेंगे तो वो अपने आप ऊपर को राइज कर जाएगी. सो ये टेंडेंसी होती है दोनों कोल्ड और वार्म की, अलग अलग टेंडेंसी होती है. कोल्ड एयर क्योंकि हैवी होती है वो नीचे को मूव करने की कोशिश करती है, तो उसके कारण जो है हमारे टेम्परेचर जो है, वेदर और क्लाइमेट जो है इंपैक्ट होता है. लेट्स सी हाउ. अब क्योंकि कूल वाटर है, कूल वाटर है तो उसके जो ऊपर जो एयर होगी वो भी क्या होगी, कूल होगी एयर. जो कोल्ड एयर होती है ना उसका मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं सैचुरेशन लेवल जो होता है, जो बेसिकली जो वार्म एयर है वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट कैरी कर सकती है. जो ये हैवी एयर, जो कोल्ड एयर होती है वो अपना कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट को कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद ही इतनी ज्यादा हैवी होती है और जो मॉइस्चर है उसको अकोमोडेट नहीं कर सकती. सो हाउ दिस कोल्ड एयर इंपैक्ट द वेदर एंड द क्लाइमेट. कोल्ड एयर क्या करेगी, सिंक्स करती, नीचे सिंक डाउन करती है, ठीक है, और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, लेस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. अब लेस मॉइस्चर कंटेंट का क्या मतलब हुआ, कि वहां पे रेनफॉल ही कम होगी, ठीक है. रेनफॉल कौन सी एयर कोज करेगी, जो मॉइस्चर वाली एयर होगी, जहां पे एयर में मॉइस्चर ही नहीं है तो वो रेनफॉल कहां से कोज करेगी, ठीक है. दिस इज फर्स्ट थिंग. देन दूसरा जो क्लाइमेट पे इंपैक्ट इज, दैट इज आसपास का टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो होगा. मतलब जहां पे जिस समुद्र में जो कोल्ड करंट पाया जाएगा उसके आसपास टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, लो होगा, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट दी वार्म एंड दी कोल्ड करंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको पोज करने के बाद आप ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो करंट्स हैं उसको याद, उनके नाम याद करने की और कहां से किस लोकेशन में पाए जाते हैं वहां पे उसको देखने की कोशिश करेंगे आप. अब रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वार्म करंट है, जो कि वार्म एरिया से अराइज हुए हैं, जो कि इक्वेटर के पास से अराइज हुए हैं. और जो ब्लू एरिया में, अगर आपको आई होप आपको ब्लू कलर दिख रहा हो, अगर आपको ब्लैक दिख रहा है तो दिस इज डार्क कलर. जो डार्क कलर के करंट हैं, सो दैट अराइजेस फ्रॉम द पोल्स, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं,
ठीक है, आपको याद रखने हैं, जैसे ये लेबराडोर करंट है, ये कोल्ड करंट है, देन दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि इसी इसी का ही पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, देन ये हमारा कहते हैं, अब जैसे कैनरीज करंट, ये कोल्ड का आ गया। अब दिस इज रिलेटिव, अब ये कोल्ड क्यों आया, मतलब अब अगर हम देखें ये वार्म से ही तो यहां से वार्म से ही निकल रहा है, यहाँ पे कोल्ड क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिवली कोल्ड है, आसपास के टेम्परेचर से रिलेटिवली कोल्ड है, इसलिए इसको कोल्ड करंट कहा गया। ठीक है, कोल्ड करंट का जरूरी नहीं है कि जो जो हमारा पोल से ही आएगा, जो रिलेटिव फैक्टर भी रोल प्ले करता है कि रिलेटिव सिचुएशन क्या पे है, आसपास तो गर्मी हो और वहां पे वो कोल्ड करंट आ जाए, सो दैट इज ऑल्सो फैक्टर हियर। देन हम्बोल्ट करंट, फॉकलैंड, ब्राजीलियन करंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो नॉमन क्लेचर है इसको पोज करो। देन यहाँ पे अफ्रीका के पास कौन से हैं, इंडियन ओशन में कौन से हैं, सो वो भी हम देखेंगे। देन क्रोशियो ओयोशियो करंट्स, ठीक है, अब ये देखो वार्म करंट है, दिस इज कोल्ड करंट, जब जहां पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जो है मीट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली फिशिंग इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है, ठीक है, क्योंकि जो फिशेस को जो पैदा होने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही फेवरेबल होता है फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, जो यहाँ पे कहाँ पे, इस जहाँ पे वार्म एंड द कोल्ड करंट जो है आपस में मिलते हैं, जहां जहां पे भी मिलेंगे वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री जो है फ्लरिश करेगी, जैसे ये जापान में फिशिंग इंडस्ट्री इसी कारण, इन्हीं करंट्स के कारण जो है फ्लरिश करती है। सो अब ये इस किस 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 डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में ही क्यों मूव कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, सो ये बेसिकली हम हायर क्लासेस में देखते हैं, तो इसके अंदर बहुत फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और आप अगर आपको याद हो, जो हमने परमानेंट विंड्स पढ़ी थी, उनका भी रोल रहता है इसके अंदर, जो इनको डायरेक्शन देने में, जो इन करंट्स को डायरेक्शन देने में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। सो जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर एक फैक्ट था जो आपसे डिस्कस करना था, वो यही था कि एरियाज वेयर वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स फॉर ऑफ द वर्ल्ड, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री पाई जाती है अच्छे से, क्यों, क्योंकि वहां पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट करते हैं। देन सेकेंड इज, यहाँ पे जो है ना, बहुत नेविगेट करना बहुत डिफिकल्ट है, शिप्स का रूट जो यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी फेस करता है, क्योंकि यहाँ पे फोगी होती है नेचर, जो आसपास का वेदर कैसा होगा, फोगी होगा, ठीक है, जहां पे वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ओशन करंट, सो दिस इज द थर्ड थिंग जो हमने देखी इसके चैप्टर के रिगार्डिंग, जो जो चीफ मूवमेंट्स में देखी। नाउ टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो लास्ट में जो एक्सरसाइजेस गिवन होती है उसके अंदर ये गिवन थे ये फैक्ट्स, मैंने ये सोचा कि आपको करवाना पता होना चाहिए। सो ये कुछ फैक्ट्स तो रिवर्स से रिलेटेड हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें, सो कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के अलग अलग नाम बताओ कौन कौन से होते हैं। सो इसको जो अगर वो अपर कोर्स में होती है, जब वो ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसका नाम है सैंगपो, ठीक है, मतलब प्यूरिफायर, ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्रा। देन चाइना में इसको और क्या बोला जाता है, यारलंग जेंगबो, ये भी बोला जाता है इसको चाइनीज लैंग्वेज में, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट इन चाइनीज लैंग्वेज। सो दिस इज अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर। सेकेंड फैक्ट इज रिलेटेड टू द गंगा रिवर। सो अब गंगा क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों बांग्लादेश में एंटर करती हैं, और उनके नाम जो है नोमनक्लेचर वो चेंज हो जाता है, तो वो याद रखना। अब बेसिकली कंफ्यूजन क्या हो जाती है, कौन सी जमुना बन जाती है, पद्मा कौन सी बन जाती है, देन मेघना कब बनती है, वो काफी इंपॉर्टेंट है वो जानना। सो आपको इस मैप से समझ में आ जाएगा, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ऊपर से जो ये रिवर आ रही है इंडिया से, एंटर कर रही है बांग्लादेश में, सो दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर, एंड इधर से जो रिवर एंटर कर रही है दैट इज दी गंगा रिवर, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर कर रही है। जब ही ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बांग्लादेश में एंटर करी, इसका नाम क्या पड़ गया, जमुना, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट इज गंगा, जो रिवर जब यहां पे
एंटर करी, ठीक है, जो गंगा रिवर जब यहाँ पे एंटर करी, इसको पद्मा बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं? पद्मा, गंगा को पद्मा बोलने लग जाते हैं। जब गंगा और ये जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब मिल जाती हैं बांग्लादेश में, इसको तब भी पद्मा बोलते हैं, ठीक है, ये दिस इज रिटन पद्मा। देन मेघना एक रिवर है जो बांग्लादेश में मेजर रिवर है, जब वो पद्मा के अंदर एंटर कर जाती है, पद्मा के अंदर मिल जाती है, तब उस रिवर का नाम क्या बन जाता है? मेघना, ठीक है। यहां से गंगा एंटर करी, यहां से ब्रह्मपुत्रा एंटर करी, ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ पे एंटर करी उसको जमुना बोलते हैं, गंगा जब यहाँ पे एंटर करी उसको पद्मा बोलते हैं, पद्मा और जमुना जब आपस में मिली फिर वो पद्मा ही बोलने लगे क्योंकि मेजर गंगा को माना गया, तो पद्मा और मेघना में जब आपस में मिली तो उसको मेघना बोलने लग गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट दिस। सो गंगा रिवर आल्सो नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, जैसे ही वो गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में, उसको पद्मा बोलना शुरू कर देते हैं। लेटर इट्स ज्वाइन बाय ब्रह्मपुत्रा, जो जिसको क्या बोला जाता है? जमुना रिवर। दोनों मिलके क्या बनाएंगी? पद्मा रिवर अगेन। देन पद्मा के अंदर मेघना मिल जाएगी, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगी? मेघना, ठीक है। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फैक्ट इज द रिवर दैट हैज द बिगेस्ट बेसिन कौन सा है? दैट इज द अमेजन रिवर। सबसे ज्यादा बड़ा बिगेस्ट बेसिन किसका है? अमेजन रिवर का। देन लंडन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? थेम्स, थेम्स रिवर की एस्चुरीज पे लंडन जो है हमारा लोकेटेड है। देन फिफ्थ फैक्टर जो फैक्ट इज, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे, वेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज री इन्फोर्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सो कब वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज द मार्च 22। एंड इसके बारे में आप डिटेल में गूगल करके देखेंगे कि वाई वाई इट्स सेलिब्रेटेड ऑन द मार्च 22, क्या रीजन है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करने का। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर, सो वी कवर्ड होल ऑफ द चैप्टर हेयर, सो आई होप यू इंजॉय डूइंग दिस चैप्टर विद मी। सो If you have any doubts, you can write it down in the comment box. I would definitely reply those queries. And second thing, please like our videos and subscribe our channel and press the bell icon so that you get the update whenever the new video is added. So thank you.